दोस्तों, जब भी अलग अलग सेल्स को सीरीज में लगा के एक पूरा बैटरी पैक बनाया जाता है, तब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन सभी सेल्स का वोल्टेज और इन सभी सेल्स का स्टेट ऑफ चार्ज बिल्कुल एक जैसा हो। अब वोल्टेज और स्टेट ऑफ चार्ज दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, कैसे ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे, देखते रहिए। तो यहाँ पे गाइस हम क्या करते हैं कि हमारे जो लिथियम सेल्स हैं इनको मंगाते हैं, इनको रिसीव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो ये ईव कंपनी के लाइफपो 4 मतलब लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल्स हैं 105 AH के, ठीक है। तो जब भी हम ये सेल्स को रिसीव करते हैं, हम हमारा मल्टीमीटर लेते हैं, हर एक सेल को टेस्ट करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि हर जो सेल है वो लगभग 3.2 या 3.3 वोल्ट के ऊपर एक समान जैसा दिखाई देता है। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या होता है, जो लिथियम फेरोफॉस्फेट या जो लाइफपो 4 केमिस्ट्री है ना, उसका जो वोल्टेज कर्व है वो इतना फ्लैट है कि सिर्फ वोल्टेज के ऊपर आप यहाँ पे अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका स्टेट ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है। तो ये जो हमारे सेल हैं इसकी लॉन्ग लाइफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है टॉप बैलेंसिंग। अगर आप टॉप बैलेंसिंग नहीं करते हैं सेल्स का, तो क्या होगा कि ये जो सेल हैं इनके जो स्टेट ऑफ चार्ज हैं इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, किसी सेल में चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा। और प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप ये बैटरी कंप्लीट सीरीज में लगा के यूज़ करेंगे ना, तो जिस सेल का स्टेट ऑफ चार्ज कम होगा, मान लीजिए ये 30% पे था, तो ये सबसे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा और आपका जो भी BMS है वो कंप्लीट बैटरी को कट कर देगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए ये जो बैटरी है इसका स्टेट ऑफ चार्ज थोड़ा ज़्यादा था, भाई ये 60% पे था, वोल्टेज कर्व तो फ्लैट है तो वोल्टेज से आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेल है ये ओवर चार्जिंग में जाएगा, जिसकी वजह से आपके सेल की लाइफ भी कम हो सकती है और आपका जो BMS है वो भी बार बार बैटरी को कट करेगा, मतलब आपको यहाँ पे जो कंप्लीट बैकअप है ये नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीन तरीके जिनका यूज़ करके आप आपके ये जो लिथियम सेल हैं इनको टॉप बैलेंसिंग जो है कर सकते हैं, ताकि सभी का जो स्टेट ऑफ चार्ज है SOC कहते हैं, ये आपको 100% मिले। तो यहाँ पे जो पहला तरीका है वो है यूजिंग DC to DC बक कन्वर्टर्स। अब यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग तरह के DC to DC बक कन्वर्टर हैं, ठीक है। वैसे इनके ऊपर हमने पहले काफ़ी बातें की हैं, एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है DC to DC बक कन्वर्टर के बारे में, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको एक अच्छा बक कन्वर्टर लेना है, जैसे ये 20 amp का है, ये 8 amp का है जिसमें डिस्प्ले भी है, और ये जो बक कन्वर्टर है इसको आपको सेट करना है 3.65 वोल्ट पे, ठीक है। आपका जो लिथियम फेरोफॉस्फेट केमिस्ट्री का 100% जो स्टेट ऑफ चार्ज होता है वो होता है 3.65। ध्यान रहे इसके ऊपर एक भी पॉइंट ऊपर ना जाने पाए। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले होता है इसके ऊपर आप भरोसा ना करें, आपका जो मल्टीमीटर है इसको लेके आप एक बार डबल कंफर्म कर लें कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी है डिस्प्ले की ये और आपके मल्टीमीटर के ऊपर 3.65 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बक कन्वर्टर है गाइज, इसके इनपुट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो बक कन्वर्टर है इसको एज अ पावर सोर्स देने के लिए आप इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसको पढ़ें, मतलब इनपुट में ये कितना वोल्टेज ले सकता है इसको पढ़ें, और उसके हिसाब से आप तीन चार चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप का अडैप्टर होता है 19 वोल्ट का, या फिर हमारे जो छोटी सोलर पैनल होती है, ठीक है, 100 वैट की 150 वैट की, जिसे हम 12 वोल्ट सोलर पैनल कहते हैं, एक्चुअल वोल्टेज करीब 20-22 वोल्ट के आसपास होता है, वो आप इनपुट में लगा सकते हैं, या फिर आपका जो कंप्यूटर का SMPS होता है 12 वोल्ट का उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि फाइनल हमें जो आउटपुट चाहिए वो तो 3.65 चाहिए। तो करीब 5-6 वोल्ट के ऊपर जो भी आपके पास में अच्छा स्ट्रांग पावर सप्लाई होगा उसको आप इनपुट में लगा सकते हैं। तो इनपुट के अंदर हमने लगा दिया पावर सप्लाई, आउटपुट के अंदर आपको लेने हैं जम्पर लीड्स, और यहाँ पे हर सेल को, ठीक है, अलग अलग करके, ऐसे नहीं कंबाइन करके, अलग अलग करके आप इनको टॉप बैलेंसिंग 3.65 तक जो है वो कर लीजिए। अब ये जो मेथड है इसमें एक एक सेल आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और ये जो बक कन्वर्टर है इनके भी जो एम्पियर होते हैं इतने ज़्यादा नहीं होते, 5-6 एम्पियर 10 एम्पियर बड़े मुश्किल से ये निकालते हैं। तो आपके सेल अगर बड़े हैं, जैसे ये 100 एम्पियर का है, 230 आता है, 280 आता है, तो आपको जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर। टॉप बैलेंसिंग के दूसरे मेथड के लिए हमने ये जो सेल्स हैं इनको पैरेलल में डाल दिया है इन बस बार्स का यूज करके।
आई विश मेरे पास कुछ ज़्यादा बस बार्स होते तो यहाँ पे ये जो 3 बैटरियाँ हैं ये छूट गई हैं, क्योंकि बस बार्स इनफ नहीं है। अगर आपको पहले से ही एक्स्ट्रा बस बार्स खरीदने हैं तो आपको जो अफिलिएट बाइंग लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, पहले ही खरीद लीजिए ताकि ऐसी गलती ना हो। तो ये जो सेल है इसको मुझे 2 बैच में करना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए जो काम है ये चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो सेल है इनको हमने पैरेलल में डाला है, मतलब सभी जो पॉजिटिव हैं, जो प्लस हैं, ये एक साथ कंबाइन कर दी हैं, सभी जो माइनस है इसको हमने एक साथ कंबाइन कर दिया है। अब ये जो तरीका है इसका फायदा क्या है? एक तो इसका ये फायदा है कि जो हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होता है ये एक तरह से सेल्फ बैलेंसिंग होता है, जो भी छोटा मोटा जो वोल्टेज में डिफरेंस होगा ये अपने आप, अगर आप इसको कुछ घंटे छोड़ देते हैं पैरेलल करके, तो वो इक्वल हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा फायदा ये है कि क्योंकि ये जो सेल है ये पैरेलल में है, इसके ऊपर आप एक बड़ा चार्जर लगा के, ठीक है, 40-50 एम्पियर के लिथियम चार्जर आते हैं, उसके भी कुछ लिंक देने की ट्राई करता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो वो जो बड़ा चार्जर आता है, 40-50 एम्पियर, 100 एम्पियर तक के भी चार्जर आते हैं, वो लगा के आप इन सभी सेल्स को एक साथ पैरेलल में 3.65 वोल्ट तक जो है चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपका जो बैलेंसिंग है ये काफ़ी तेज़ी से होगा, 4-5 घंटे 6 घंटे में आपके जो कंप्लीट बैटरी पैक के जो सेल हैं ये टॉप बैलेंस हो जाएंगे, 100% SOC के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ तक जो है 2 तरीके देखे। एक तो हमने देखा भाई कोई बक कन्वर्टर या जो लिथियम का अलग से जो चार्जर आता है उसको लेके आप एक एक सेल्स ट्राई करें, या फिर इस तरह से आप इसको पैरेलल में ट्राई करें। अब ये जो दोनों तरीके हैं गाइज, ये मैं यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है एक बहुत बड़ी कमी। गाइस जब आप इस तरह से एक एक सेल चार्ज करते हो या फिर पैरेलल में आप जो सेल हैं चार्ज करते हो, उसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम आएगा, दैट इज लैक ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, जो लिथियम बैटरी होती है इसको कंप्रेशन दिया जाता है, इसको एक तरह से फिक्स्चर में लगा के टाइट किया जाता है, ताकि बैलेंसिंग के वक्त या फिर इसके जो यूज़ हैं, जो लाइफ साइकिल है उसके वक्त, इसमें कोई भी तरह का बल्जिंग, मतलब यहाँ से जो सेल फूल जाते हैं वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इनको कंप्रेस किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि हमने जो सेल हैं ये तो पहले पैरेलल में डाले हैं, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100% स्टेट ऑफ चार्ज के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और उस स्टेट ऑफ चार्ज के ऊपर इसमें जो भी प्रेशर होगा, जो भी बल्जिंग होना होगा वो हो जाएगा, फिर आपको ये ओपन करना पड़ेगा और फिर सीरीज अरेंजमेंट में, ठीक है, मतलब प्लस टू माइनस, फिर माइनस टू प्लस, इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन है ये आपका लॉस्ट हो जाएगा। और मेरा मानना ये है कि जो लिथियम सेल्स का जो कंप्रेशन है ये बहुत एक तरह से सिमिलर है एसी की वैक्यूमिंग प्रोसेस से, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है जैसे एसी वैक्यूमिंग कहें या फिर सेल्स का कंप्रेशन कहें, ये पहले लाइफ साइकिल से किया जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग में किया जाए तो ही इसका जो फ़ायदा है ये आपको ज़्यादा मिलेगा। स्टार्टिंग में करेंगे तो ठीक है, बाद में करके कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मुझे सेल्स जो है ये टॉप बैलेंस करने हैं, साथ में इनको कंप्रेशन में रखना है, मतलब इसको मुझे 24 वोल्ट का बैटरी बैंक बना के बाद में मुझे इनको टॉप बैलेंस करना है, मतलब सीरीज में मैं सेल्स डालूंगा और उसके बाद में ये जो सेल हैं कंप्रेशन के साथ में एक ही बार परमानेंट कंप्रेशन लगा के जो है टॉप बैलेंस किया जाए। तो गाइस इसके लिए हम यूज़ करेंगे तीसरा तरीका, विच इन्वॉल्व्स योर BMS। अब जो BMS हैं गाइस वो कई अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे एक तो ये सस्ते BMS होते हैं, इसमें सिर्फ नाम का बैलेंसिंग होता है जिसे कहते हैं पैसिव बैलेंसिंग। तो इस तरह के BMS से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इनके जो पैसिव बैलेंसर हैं ये बहुत वीक होते हैं, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। हम एक अच्छा BMS लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ये JK BMS है जिसके अंदर एक एक्टिव बैलेंसर इनबिल्ट है। तो एक तो आपके पास में जो BMS है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर अलग से एक्टिव बैलेंसर मिलते हैं मार्केट में, वो एक्टिव बैलेंसर आप खरीद लीजिए और उसका यूज़ करके आप जो आपके सेल हैं, सबसे पहले तो 24 वोल्ट का बैटरी बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद में उस BMS का यूज़ करके आप इनको टॉप बैलेंस कीजिए। तो आइए सीखते हैं कि ये जो JK BMS है इसका यूज़ करके टॉप बैलेंसिंग किस तरह से किया जाए। गाइज वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम BMS की मदद से हमारे सेल्स को टॉप बैलेंस करेंगे। अब इसके लिए आपको ऑब्वियसली ये जो BMS के सारे कनेक्शन हैं ये कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये जो BMS के कंप्लीट वायरिंग है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सीखना है तो इसका डेडिकेटेड वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। अब जैसे ही हमारे BMS के जो कनेक्शन हैं ये फाइनल हो जाते हैं तो इसको हमें कन्फिगर करना है। कन्फिगर करने के लिए हमें जो है हमारे फ़ोन के ऊपर जाना है। मैं थोड़ा सा फ्लैश बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आपके स्क्रीन के ऊपर भी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आ जाए। तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया और होपफुली
यहाँ पे इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये मैं लगा दूंगा। तो इसका जो ऐप होता है गाइस, इस ऐप को आपको ओपन करना है, ENJ पावर इस ऐप का नाम है। और इस ऐप के अंदर आप देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करना है और ये जो आपका ये BMS है ये यहाँ पे शो होने लगेगा, इसको आप पेयर कर लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पे ये पेयर करेंगे ये कम्युनिकेट करने की ट्राई करेगा इसके साथ में, देखते हैं। लेट्स डू दिस। ये देखिए यहाँ से साउंड भी आता है इसका थोड़ा थोड़ा, और ये यहाँ पे इसके साथ में पेयर हो चुका है। फिर आप जाइए यहाँ पे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स जो हैं इसके गाइज ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डालना पड़ेगा कि भाई इसमें सेल कितने हैं, जैसे 8 सेल हैं। फिर कैपेसिटी कितनी है, तो 105 मेरे बैटरी की है, आपकी अगर ज़्यादा है कम है तो आप उसके हिसाब से डालिए, एडवांस सेटिंग होती है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी करके रखा है। होपफुली मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इस BMS के अंदर है ना ढेरों सेटिंग अवेलेबल हैं, तो इसके लिए एक अलग से जो वीडियो है वो बनाया जा सकता है। और गाइज ये जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई पासवर्ड, तो जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये कोई भी सेटिंग जो है आपको चेंज करने नहीं देगा। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल, देखिए यहाँ पे भी वही कहानी है, वेरीफाई पासवर्ड कह रहा है तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। और जो पासवर्ड आपको डालना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आंकड़े हैं, वेरीफाई कर लीजिए। और अभी इसका ये जो कंट्रोलिंग है कंप्लीट, ये सेटिंग इसका जो कंट्रोलिंग है ये देखिए ये सब ऑन हो चुका है। तो अभी हमको ये जो है मॉडिफाई करने देगा, ये देखिए इस तरह से आप इसमें जो सेटिंग्स हैं ये चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल में जाते हैं और अभी हमें क्या करना है, बैलेंस फीचर यहाँ पे जो दिया है इसको हमें ऑन कर देना है। तो ये हमने कर दिया, ये बैलेंस फीचर ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं इनको बैलेंस करने लगा है, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है मेरे सेल्स के अंदर, आप देख सकते हैं सब सेल्स जो हैं वो 3.3 के ऊपर हैं, बहुत बारीक फर्क होता है। तो गाइस ये जो मेथड है BMS के थ्रू बैलेंस करने का, इसका फ़ायदा क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको बैलेंसिंग करने के लिए कोई अलग से बड़ा चार्जर, कोई बक कन्वर्टर, ठीक है, कोई डेडिकेटेड एक्टिव बैलेंसर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फीचर ऑलरेडी आपके BMS में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें झंझट नहीं होती है। अब यहाँ पे ये जो BMS है, जैसे ही आपने यहाँ पे ये बैलेंस फीचर ऑन किया, ये क्या कर रहा है कि जिस सेल का वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए ये जो पहला सेल है इसका वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ पे जो आखिरी सेल है इसका वोल्टेज कम है, तो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल पावर, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये इसके जो वायर्स हैं ये ओपन है, कोई चार्जर भी नहीं है, कोई यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह नहीं है, तो ये जो BMS है ये फिलहाल क्या कर रहा है, इसमें कैपेसिटर्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल के अंदर ज़्यादा वोल्टेज है उसमें से एनर्जी ये लेके जहाँ पे कम वोल्टेज है वहाँ पे ये अपने आप ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसको एडिशनल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से ये सेल्फ बैलेंसिंग है, बहुत ही बढ़िया एल्गोरिथम है। दोस्तों जो एक्टिव बैलेंसर होता है वो चार्ज डिस्चार्ज दोनों के वक्त काम आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लिथियम बैटरी है फिलहाल ये 12.5 एम्पीयर से डिस्चार्ज हो रही है। इस ऐप के अंदर भी आप इसका डिटेल देख सकते हैं। और फिलहाल आप देखिए यहाँ पे इसका जो बैलेंस फीचर है ये ऑन है। अब यहाँ पे जो सेल देख रहे हैं, इन सेल के अंदर आपको जो वोल्टेजेस हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा, और आइडियल जो सेल के जो वोल्टेज में डिफरेंस होता है वो 20 मिली वोल्ट, ठीक है, 20 मिली वोल्ट से नीचे होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्टिव बैलेंसर है किस तरह से काम कर रहा है। जो ब्लू कलर का सेल है दैट इज़ सेल नंबर 4, मतलब यहाँ पे जो चौथे नंबर का सेल है इसका वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, और इस सेल का जो वोल्टेज है ये डिस्चार्ज करके जो रेड कलर का सेल है, पहले नंबर का जो सेल है वहाँ पे ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब जो एनर्जी है ये चौथे सेल से लेकर एक नंबर सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चौथा सेल है इसको पहले ये 600 मिली एम्पियर, ठीक है, 0.6 एम्पियर से डिस्चार्ज करेगा, मतलब यहाँ से ये करंट को उठाएगा चौथे सेल से, और बाद में जो भी सेल के अंदर वोल्टेज कम होगा उसके अंदर ये चौथे सेल की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो कुछ इस तरह से इसका जो एक्टिव बैलेंसिंग है ये काम करता है। ये जो मेथड है इसके अंदर सिर्फ एक ही कमी है कि ये जो मेथड है थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि बैलेंसिंग सिर्फ 0.6 एम्पियर से की जा रही है। तो ऐसे नहीं कि आप इसको 2-4 घंटे ऑन रखें और ये जो है ये आपकी बैटरी को बैलेंस कर दे। इस मेथड में आपको कम से कम 4-5 दिन तक आपकी बैटरी को जो है वो साइकिल करना पड़ सकता है। अगर सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंबैलेंस है तो 1-2 हफ्ता भी लग सकता है। तो गाइस यहाँ पे ये जो JKBMS है ये इतना स्मार्ट है कि इसमें जो बैलेंसिंग का फीचर है आप यहाँ पे जाके जो है परमानेंटली ऑन रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो सारे सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो वैसे भी सेल की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो बैलेंसिंग को हम जो है परमानेंटली
ऑन रखेंगे और ये जो सेल की बैलेंसिंग है इसकी चिंता करना छोड़ देंगे। इसका सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये है कि जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने इस बैटरी के साथ में ये कंप्रेशन जिग लगा रखी है, तो पहले साइकिल से पहले बैलेंसिंग से हम इसको कंप्रेस करके ही बैलेंसिंग करेंगे, कंप्रेस करके ही यूज करेंगे ताकि आगे जाके बल्जिंग का एक भी चांस ना रहे। तो इस तरह से जब आप बैलेंसिंग करते हैं कंप्रेशन लगा के, और ये जो कंप्रेशन है इसको मैं लाइफ टाइम रखने वाला हूँ, जितने भी साल ये बैटरी चलेगी 20 साल 25 साल तब तक इसका जो ये कंप्रेशन है, ठीक है, कंप्लीट दोनों साइड से ये रॉड वगैरह लगा के ये परमानेंट रहेगा, इसे निकालने का काम नहीं है क्योंकि जो बैलेंसिंग है वो यहीं पे हो जाएगी। अगर आपको सीखना है कि ये जो कंप्लीट कंप्रेशन है और ये जो फिक्सचर है ये मैंने कैसे बनाया, तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं ये ऑल अबाउट बैटरीज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं इनको क्लिक करके आप इस बैटरी के कंप्रेशन के बारे में जाके सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।